हेलो एवरीवन, मैं आपका रोहित, आपका दोस्त, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने एडल एक्सपर्ट चैनल में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंडस्ट्रियल एड्स को एप्स में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो एप्स में इंडस्ट्रियल एड्स को इंप्लीमेंट करना काफी इजी होता है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोबाइल एप्स में इंडस्ट्रियल एड्स को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में आ जाना है एंड कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने चूज टेम्पलेट का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं एम्प्टी एक्टिविटी को चूज कर लेता हूँ एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम एंटर करना है। मैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल एड्स इम्प्लीमेंट यहाँ पे नेम दे देता हूँ, इंडस्ट्रियल एड्स इम्प्लीमेंट। एंड यहाँ से आप पैकेज नेम भी चेंज कर सकते हो, अगर सपोज आपको पैकेज नेम चेंज करना है तो। मैं अभी फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ तो लोडिंग ब्रिज का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा एंड उसके बाद में ग्रेडल बिल्ड की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो हम ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक वेट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैसेज आ चुका है, ग्रेडल सिंक फिनिश इन 11 सेकेंड। अभी हमारा ग्रेडल बिल्ड की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। तो सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट में आना होगा। जैसे हम प्रोजेक्ट में आ जाते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है ग्रेडल स्क्रिप्ट, इसको हमें ओपन करना होगा। जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो आपको जो सेकेंड में ऑप्शन दिखाई दे रहा है बिल्ड डॉट ग्रेडल, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें स्क्रॉल करना होगा एंड जो डिपेंडेंसीज का ऑप्शन दिखाई दे रहा, हमें यहाँ पे एक डिपेंडेंसी ऐड करनी होगी। तो डिपेंडेंसी को ऐड करने के लिए हमें ब्राउजर ओपन करना होगा। जैसे हम ब्राउजर ओपन करेंगे तो आपके सामने सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको सर्च में सर्च करना है इंडस्ट्रियल एड। जैसे हम इंडस्ट्रियल एड सर्च कर देते हैं तो आपके सामने कुछ URLs ओपन हो जाएंगे, बट आपको फर्स्ट में जो दिखाई दे रहा है इंडस्ट्रियल एड्स, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे हम इस पे क्लिक कर देते हैं आपके सामने गूगल एडमॉप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जो आपको गाइड्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना होगा एंड उसके बाद में आपको जो गेट स्टार्टेड का ऑप्शन दिखाई दे रहा हमें इस पर सिलेक्ट करना होगा। जैसे हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देते तो आपके सामने गेट स्टार्टेड का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। हमें इसको अभी सबसे पहले स्क्रॉल करना होगा। जैसे हम स्क्रॉल करेंगे आपको एक डिपेंडेंसी दिखाई दे रही होगी, हमें इसको कॉपी करना होगा। तो मैं कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर देता हूँ एंड प्रोजेक्ट में जाके बिल्ड डॉट ग्रेडल में इसको पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी से। अभी मैं आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऐप के नीचे मैनिफेस्ट का, इसको हमें सबसे पहले ओपन करना होगा। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने एंड्रॉइड मैनिफेस्ट का ऑप्शन अगेन ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अभी मैं ब्राउजर में चला जाता हूँ। जैसे हम ब्राउजर में चले जाते हैं अभी हमको इसको स्क्रॉल करना होगा गूगल एडमॉप के पेज को। आपको देख सकते हो यहाँ पे मेटा डेटा का ऑप्शन दिखाई दे रहा, यहाँ पे आपको सबसे पहले इसको कॉपी करना होगा कंट्रोल सी से। तो मैं इसको मेटा डेटा को कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ एंड प्रोजेक्ट में जाके एक्टिविटी के नीचे आपको यहाँ पे पेस्ट करना होगा मेटा डेटा को। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पे XXXXYYY पे यहाँ पे आपको ऐप आईडी पेस्ट करनी होगी। तो ऐप आईडी को पेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ब्राउजर में जाना होगा। जैसे हम ब्राउजर में चले जाते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ऐप आईडी का, तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ ऐप आईडी को कंट्रोल सी से। एंड जो यहाँ पे XX एंड YY यहाँ पे लिखा है इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल X से इसको कट कर देता हूँ एंड जो हमने ऐप आईडी को कॉपी की थी उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंड अभी मैं सिंक नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम सिंक नाउ पे क्लिक करेंगे तो ग्रेडल बिल्ड थोड़ी देर में फिनिश हो जाएगा। तो आप देख सकते हो बिल्ड सक्सेसफुल इन 6 सेकेंड का मैसेज आ चुका है। अभी हमें पैकेज के नीचे कुछ परमिशन एंटर करना होगा। तो मैं यूजेस परमिशन यहाँ पे एंटर करता हूँ, यूजेस परमिशन इंटरनेट। तो इंटरनेट के सबसे पहले हमने परमिशन को यूज किया एंड यूजेस परमिशन वाईफाई स्टेट, यूजेस परमिशन वाईफाई स्टेट एंड अगेन यूजेस परमिशन
एक्सेस नेटवर्क स्टेट। अभी हमारा build.gradle एंड Android मैनिफेस्ट फाइल का काम कम्प्लीटली हो चुका है, तो मैं इस पेज को क्लोज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने इस पेज को क्लोज कर दिया है, एंड अभी हमें एक्टिविटी मेन में जाना होगा। जैसे हम एक्टिविटी मेन में आ जाते हैं, जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्प्लिट का, हमें इस पर क्लिक करना होगा। स्प्लिट में जाने के बाद जो आपको डिफॉल्ट लेआउट दिखाई दे रहा है कंस्टिट्यूट लेआउट, आपको इसको बैकस्पेस से रिमूव करना होगा सिलेक्ट करके, एंड इसको रिलेटिव लेआउट में चेंज करना होगा। तो मैंने अभी रिलेटिव लेआउट में चेंज कर दिया है, एंड जो यहाँ पे हेलो वर्ड दिखाई दे रहा है टेक्स्ट में, आपको यहाँ पे बटन उसको कन्वर्ट करना होगा। तो टेक्स्ट व्यू को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ बटन में। तो अभी आप देख सकते हो ये बटन में कन्वर्ट हो चुका है। मैं यहाँ पे फर्स्ट एक्टिविटी टेक्स्ट में एंटर कर देता हूँ। फर्स्ट एक्टिविटी, एंड जो यहाँ पे बटन ऊपर दिखाई दे रही है मैं इसको सेंटर में लेके आता हूँ। सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। अभी हमारा काम हो चुका है। हाँ, तो मैं अभी इस जो यहाँ पे बटन दिखाई दे रही है फर्स्ट एक्टिविटी, मैं इसको सेंटर में लेके आता हूँ। तो मैं सेंटर इन पेरेंट कर देता हूँ सबसे पहले, सेंटर इन पेरेंट ट्रू। तो अभी आप देख सकते हो हमारी बटन यहाँ पे सेंटर में आ चुके हैं। मैं यहाँ पे अभी ऑन क्लिक मेथड इंप्लीमेंट कर देता हूँ। ऑन क्लिक यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड यहाँ से कोई भी नेम एंटर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल बटन, यहाँ पे मैंने बटन नेम एंटर कर दिया, एंड यहाँ पे अभी आप देख सकते हो एरर शो हो रहा है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, एंड यहाँ पे बल्ब का ऑप्शन आ गया है। अगर सपोज आपके इसमें बल्ब का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आप अल्ट एंटर प्रेस करके इस ऑप्शन पे आ सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पे क्रिएट बटन व्यू इन मेन एक्टिविटी पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, तो बटन का ऑन क्लिक मेथड यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो हमें सबसे पहले इंटेंट लगाने के लिए हमें सेकेंड एक्टिविटी में जाना होगा। तो मैं एक यहाँ से सबसे पहले एक्टिविटी क्रिएट कर देता हूँ। मैं राइट क्लिक कर देता हूँ, न्यू पे क्लिक कर देता हूँ, एक्टिविटी यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, एंड एम्प्टी एक्टिविटी पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम एम्प्टी एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मेन एक्टिविटी टू आ चुका। आप यहाँ से नेम चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। मैं अभी फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम फिनिश पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ग्रेडल प्रोजेक्ट सिंक इन प्रोग्रेस यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो जाएंगे, हम यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो तब तक हम वेट करते हैं ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक। आप देख सकते हो अभी ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो चुका है। तो हमें सबसे पहले अभी जो मेन एक्टिविटी में हमने ऑन क्लिक मेथड एंटर किया था, उसमें हमें आ जाना है, एंड यहाँ पे इंटेंट प्रेस कर देना। तो इंटेंट इज इक्वल टू न्यू ऑफ इंटेंट, सॉरी, जिस डॉट जावा फाइल में हम है उसे हमें यहाँ पे एंटर करना होगा। तो मेन एक्टिविटी डॉट this main activity dot this comma, जिस एक्टिविटी में हमें जंप करना है उस एक्टिविटी का नाम हमें यहाँ पे एंटर करना होगा। तो मेन एक्टिविटी टू डॉट क्लास, एंड यहाँ पे साइन करना होगा, एंड स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट पास कर देना होगा। स्टार्ट एक्टिविटी यहाँ से आपको इंटेंट पास कर देना होगा। अभी हमें सबसे पहले अभी इंडस्ट्रियल एड्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे हम फर्स्ट एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे, इंडस्ट्रियल ऐड को शो करने के लिए हमें ब्राउजर में आना होगा, एंड जो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऐड फॉर्मेट में, सेकंड पे इंडस्ट्रियल, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे हम इंडस्ट्रियल पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एड्स का इंटरफेस ओपन हो चुका है। तो मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, एंड सबसे नीचे आ जाता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ सबसे पहले आपको आ जाना है, एंड यहाँ से प्राइवेट इंडस्ट्रियल एड एम इंडस्ट्रियल एड्स को कॉपी करना है, एंड प्रोजेक्ट में जाके ऐप कॉम्पैक्टिविटी के नीचे आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, एंड अगेन ब्राउजर में जाना है, एंड इस कोड को भी कॉपी कर देना है। तो मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ, एंड प्रोजेक्ट के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ एक्टिविटी मेन के अंदर।
एंड अगेन हमें ब्राउजर में जाना होगा, आपको अभी नीचे स्क्रॉल करना होगा एंड जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इफ एंड एल्स, इसको हमें कॉपी करना होगा। तो मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ एंड अपने प्रोजेक्ट में चला जाता हूँ। अभी हमें जो यहाँ पे बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें यहाँ पे जो हमने कंट्रोल सी से उस कोड को कॉपी किए थे यहाँ पे हमें पेस्ट करना होगा। तो आप देख सकते हो जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एट शो होने लग जाएगी एंड जैसे हम क्लिक करेंगे इंडस्ट्रियल एट सबसे पहले शो होगी एंड सेकेंड एक्टिविटी में हम जंप करेंगे। तो आप देख सकते हो हमारा कोड अभी कंप्लीट हो चुका, बट यहाँ पे कुछ एरर शो कर रहे हैं। तो मैं एरर को रिमूव कर देता हूँ, मैं सब पे अल्ट एंटर प्रेस कर देता हूँ एंड एरर रिमूव कर देता हूँ। अल्ट एंटर एट रिक्वेस्ट पे भी अल्ट एंटर एंड इनपुट प्लस एंड लॉक पे भी अल्ट एंटर। तो आप देख सकते हो अभी हमारा कंप्लीटली कोड हो चुका है। तो मैं अभी मोबाइल डिवाइस को यहाँ पे सबसे पहले कनेक्ट कर देता हूँ एंड आपको इंडस्ट्रियल एड शो करके बताता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा मोबाइल डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। मैं अभी रन ऐप पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं रन ऐप पे क्लिक कर देता हूँ तो अभी ग्रेडल बिल्ड की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। हम वेट करते हैं ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक। तो आप देख सकते हो अभी ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो चुका है एंड इंस्टॉलिंग ऐप अभी शो कर रहा है। तो हमारे मोबाइल डिवाइस में भी अभी ऐप इंस्टॉल हो रहा है। तो आप देख सकते हो अभी हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है एंड हमारे जो प्रोजेक्ट का नेम था इंडस्ट्रियल एड्स इम्प्लीमेंट वो भी ऊपर शो हो रहा है एंड जो हमने मेन एक्टिविटी में क्रिएट किया था फर्स्ट एक्टिविटी यहाँ पे भी अभी शो हो रहा है। मैं सबसे पहले फर्स्ट एक्टिविटी में क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं फर्स्ट एक्टिविटी पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे टेस्ट एड अभी शो हो रहा है एंड इसको मैं कट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि हम सेकेंड एक्टिविटी में चले गए हैं एंड सेकेंड एक्टिविटी में आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर सपोज आप कोई भी यहाँ पे नेम या फिर कुछ भी टेक्स्ट में एंटर कर देते हो तो इस एक्टिविटी में आप चले जाओगे। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल ऐप्स में इंडस्ट्रियल एड्स को शो कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको समझ में आएगा कि अपने ऐप्स में इंडस्ट्रियल एड्स को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना। हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।